हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में वेक्टर से आने वाले प्रॉब्लम को कैसे थिंक करना है, उसके प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है और एग्ज़ाम में एक मिनट के अंदर में कैसे सॉल्व करना है, उसके बारे में कंप्लीट आइडिया देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में STP लिखेंगे। यहाँ पर नेम में ही वर्ड है स्केलर, डैट मीन्स ये एक नंबर आएगा, ये कोई एक वैक्टर नहीं होगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी से, राइट। या फिर इसी को कैसे लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में भी, बॉक्स ए बी सी। अगर आपने साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन किया तो सारी वैल्यू इक्वल होंगी। साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब क्या, ध्यान से देखो, जैसे बी के बाद सी आ रहा है, फिर सी के बाद ए, तो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन किया तो इक्वल होगा। अगर आपने ऑर्डर को इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू वही रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपने B के बाद A लिख दिया फिर C, बी ए सी निकाला, तो वैल्यू तो वही रहेगा लेकिन साइन क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस बात का ध्यान रखना। ये बॉक्स ए बी सी किसको बताता है, तो वेरी सिंपल, वॉल्यूम ऑफ पैरालेलो पाइप्ड। अगर कहीं पे क्वेश्चन में अगर ऐसा मेंशन है कि इसका वॉल्यूम निकालो, तो आपको सिंपल बॉक्स ए बी सी निकालना। और बॉक्स ए बी सी कैसे निकालेंगे, तो एक डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे आप। और डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे, तो वेरी सिंपल, जो तीनों वेक्टर ए बी सी हैं उसका आई कॉफिशेंट को सामने में लिख देना है, जे कॉफिशेंट को और के कॉफिशेंट को। क्लियर है। तो इसी पॉइंट नंबर वन से ही आप ध्यान से समझो कि अगर दो वेक्टर अगर आपका सेम हो जाता है तो बॉक्स ए बी सी जीरो हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, वेक्टर ए बी और फिर ए आ गया, कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाएगा तो बॉक्स वैल्यू जीरो हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि ये दो रोज या दो कॉलम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी। दूसरा यहीं से समझो पॉइंट नंबर थ्री, कि अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में हो गए, जैसे इस केस में जो यहाँ पे दिखाया, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, अगर ये तीनों बोर्ड के प्लेन में है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, बी क्रॉस सी। तो ध्यान से देखो, बी क्रॉस सी करेंगे तो वो ये वेक्टर होगा, ये मार्कर वाला, और ये वेक्टर और वेक्टर ए क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसीलिए क्वेश्चन में कभी भी अगर आपको ये चेक करना हो कि तीन वेक्टर को प्लेनर है कि नहीं, तो वेरी सिंपल, उसका बॉक्स ए बी सी जीरो होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। या फिर चार पॉइंट को प्लेनर है कि नहीं, ध्यान से देखो, ये पॉइंट वन, ये पॉइंट टू, ये पॉइंट थ्री, ये पॉइंट फोर, तो चार पॉइंट को चेक करना हो कि एक ही प्लेन में है कि नहीं, तो किसी एक पॉइंट को फिक्स कर करके यहाँ से यहाँ ये वैक्टर निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ ये वैक्टर निकाल लेंगे, राइट, और यहाँ से यहाँ ये वैक्टर निकाल लेंगे। अगेन इनका बॉक्स अगर जीरो आ रहा है तो मतलब चार पॉइंट एक ही प्लेन में। क्लियर है पॉइंट। अगर कहीं पे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बोला निकालने को, तो भी आपको अगर चार पॉइंट, डैट मीन्स पोजिशन वेक्टर गिवन है, तो आपको तीन वेक्टर आ जाएंगे, किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दोगे तो। या फिर अगर तीनों वेक्टर गिवन है तो बॉक्स ही वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पे 1/6 टाइम्स करना है। क्लियर है पॉइंट। अब अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, तो ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड में क्या क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी और मैग्नीट्यूड सी। यहाँ पे बी क्रॉस सी है, इसलिए साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, यहाँ पे एंगल का ध्यान रखना है। और जो अल्फा है वो एंगल बिटवीन बी क्रॉस सी, जो भी बताया बी क्रॉस सी करेंगे तो ये जो मार्कर वाला वेक्टर और ये वाला एंगल है, ना कि बी और सी के बीच का, बी और सी के बीच का एंगल कौन है, थीटा। और अल्फा इज एंगल बिटवीन बी क्रॉस सी, जो एक वेक्टर आएगा विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी और फिर वेक्टर ए के बीच का एंगल है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए कहीं पे अगर ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो रहा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू 1, मतलब थीटा पाई बाय 2, और कॉस अल्फा की वैल्यू भी 1, मतलब अल्फा 0, राइट। तो इसीलिए ध्यान से देखो, जब मैं बी क्रॉस सी करूँगा तो वो ये आएगा, राइट, और ये इनके इनके बीच का एंगल है, तो कॉस अल्फा जीरो होने मतलब वेक्टर ए को इसके पैरेलल होना पड़ेगा, मतलब वेक्टर ए बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी, तो इसलिए ए डॉट बी जीरो, ए डॉट सी जीरो, बी डॉट सी। तो कहने का यह मतलब है कि कहीं पर अगर ये कंडीशन हो रहा है तो आपका सीधे माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि ये सब डॉट प्रोडक्ट जीरो होंगे। तो ये सारे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में VTP लिखूंगा मैं, राइट। और यहाँ पे नेम में क्लियर है कि वेक्टर वर्ड आ गया, डैट मीन्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, राइट। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे, वेरी सिंपल, ध्यान से समझो, जिन दो वेक्टर को आप स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लोगे वही वेक्टर फॉर्म में बाहर आएंगे, ध्यान से देखो आप, राइट। और कैसे लेना है, जो बीच में होंगे उसको पहले लेना है, ध्यान से देखो, ए बी सी में बीच में कौन है, बी, तो बी वेक्टर लिया, बचा कौन, ए सी, तो उनका डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद चूंकि इसको आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लिया, इसलिए वेक्टर सी आएगा, तो बचा कौन, ए डॉट बी। एक और समझो, यहाँ पे ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूँ,
ये आपने इसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिया, तो बीच में कौन है बी, तो बी आ गया, तो बचा कौन ए सी, चूँकि इसको अपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में लिया तो अब वैक्टर ए यहाँ पर पिक्चर में आएगा और बी डॉट सी हो जाएंगे, राइट। चूँकि यहाँ पर बी और सी को लिया था इसलिए बी और सी आ रहे थे पिक्चर में, तो वेरी सिंपल है, इसको ध्यान में रखना है। वैसे ही अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड सी हो जाएगा, साइन थीटा साइन अल्फा हो जाएंगे, वेयर अगेन थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड सी, वेयर अल्फा इज एंगल बिटवीन बी क्रॉस सी एंड ए, अगेन वही बी क्रॉस सी करेंगे तो ये और इनके बीच का एंगल है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। सिमिलरली कहीं पे ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस सी पूछा जा रहा है तो देख के डरना नहीं है, ए क्रॉस बी को एक अनदर वैक्टर आप ए वैक्टर एक्स मान ले तो ये वैसा ही हो गया एक्स क्रॉस ए क्रॉस सी ऐसा, तो अभी बताया कि जिसको आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में किया तो पहले वैक्टर ए आएगा और इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इनसे, तो वही क्या फिर वैक्टर सी आएगा और इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इनसे, तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये तो फिर से क्या हो गया ए क्रॉस बी डॉट सी, ये इसी टाइप का हो गया, तो ये तो बॉक्स ए बी सी हो जाएगा राइट टाइम्स ऑफ वैक्टर ए, बट यहाँ पर दो वैक्टर इक्वल हो गए तो दो वेक्टर इक्वल हो जाएंगे तो उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरो, तो इसलिए जीरो हो गया। तो अगर ध्यान से देखो इसको ओपन करेंगे तो ये बॉक्स ए बी सी टाइम्स ऑफ वेक्टर है, तो ऐसा देख करके डरना नहीं है, तो ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर वन में एफ एक्स ए डॉट बी क्रॉस सी के बराबर है, वैक्टर ए बी सी गिवेन है, ए डॉट बी बताना है एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पे, वेयर एक्स नॉट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, तो राइट। तो सबसे पहले मुझे बॉक्स ए बी सी निकालना पड़ेगा, डैट मीन्स डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, तो आप डिटर्मिनेंट क्विकली निकाल लो, एक्स हो जाएगा ये माइनस टू और ये थ्री हो जाएगा राइट, दूसरा माइनस टू एक्स माइनस वन हो जाएगा, तीसरा सेवन माइनस टू और एक्स हो जाएगा, इसको अगर ओपन कर दें तो एक्स ये गया और ये गया, तो यहाँ ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा राइट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये गया और ये गया तो ये माइनस टू एक्स और ये प्लस में सेवन हो जाएगा, ये प्लस थ्री टाइम्स ऑफ ये कैंसिल तो ये फोर माइनस सेवन एक्स हो जाएगा, इसको ओपन कर दो तो एक्स क्यू माइनस टू एक्स माइनस में फोर एक्स प्लस में फोर्टीन प्लस में ट्वेल्व माइनस में 21x, तो इसको लिख देंगे एक्स क्यू माइनस में 27x प्लस में 26 राइट। तो एफ डैश एक्स अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखो 3x स्क्वायर माइनस में 27 और एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा 6x। यू नो कि लोकल मिनिमा या मैक्सिमा के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी आइदर प्लस 3 या फिर माइनस 3, बट चूँकि मिनिमा वैल्यू है तो एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो ये कब हो सकता है जब एक्स प्लस थ्री होगा, तो यहाँ पे एक्स नॉट आपका कितना आ गया थ्री, अगर थ्री यहाँ पे पुट कर दोगे तो ध्यान से देखो ए डॉट भी निकालना है थ्री टू द माइनस सिक्स राइट, माइनस टू और थ्री तो अगेन माइनस सिक्स और थ्री और माइनस वन तो माइनस थ्री, तो कितना हो गया माइनस 15, डैट इज ऑप्शन बी, तो आपको ऐसे करना है क्विकली। क्वेश्चन नंबर टू में ए बी सी अगर यूनिट वेक्टर है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड सी एंड ए प्लस टू बी प्लस टू सी जीरो है, तो ए क्रॉस सी निकालना है, तो ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, ए क्रॉस सी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड सी साइन थीटा राइट, चूंकि ये दोनों यूनिट वैक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा, तो सिर्फ आपको एक्चुअली में क्या निकालना है साइन थीटा की वैल्यू, वी नो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है वन, जीरो से वन के बीच में रहेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा एक ही ऑप्शन था, बाकी सब ऑप्शन वन से ग्रेटर है, तो ऐसे आपको अप्रोच करना है। बाय द वे अगर सॉल्व करना है तो कैसे करना है, तो इस पॉइंट का भी एक ध्यान रखेंगे, जब भी आपको जिन दो वैक्टर के बीच एंगल चाहिए जैसे यहाँ पर ए और सी के बीच चाहिए तो ए सी को एक ही साइड रखो ए प्लस टू सी, बाकी वेक्टर को उधर ले जाओ तो टू बी हो गया, दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेंगे और स्क्वायर कर देते हैं जिससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तभी क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए वन मैग्नीट्यूड बी तो फोर और टू ए डॉट सी, तो डैट मीन्स फोर कॉस थीटा इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा फोर राइट, तो फोर फोर कैंसिल, कॉस थीटा कितना हो गया आपका माइनस में वन बाई फोर, तो एक तरह से ये क्या हो गया बी बाई एच, हमें क्या निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा पी बाई एच डैट इज रूट 15/4, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर थ्री में ए बी सी नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है सच डेट ए क्रॉस बी क्रॉस सी बी प्लस सी बाई रूट टू है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी बताना है। तो इसको ओपन करना आपको बता रखा है, इन दोनों में ब्रैकेट लगा हुआ है राइट, तो क्या हो जाएगा वेक्टर बी और बच कौन गया तो ए डॉट सी माइनस में, अब ये वेक्टर सी होगा बचा कौन तो ए डॉट बी। तो अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो सी वेक्टर सी का कोफिशियंट कितना वन बाई रूट टू, डैट मीन्स ए डॉट बी और इसका आगे माइनस आना है शुड बी इक्वल टू वन बाई रूट टू, यूनिट वेक्टर है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा माइनस में वन बाई रूट टू, तो एंगल कितना होना चाहिए फिर थ्री पाई बाई फोर राइट, आप यहाँ से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फोर में वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, वेक्टर बी भी यूनिट वेक्टर है, तो ये वैल्यू बताना है। अगर आप ध्यान से चेक करो तो यहाँ पे ए डॉट बी आपका जीरो आ जाएगा, डैट मीन्स ए बी परपेंडिकुलर है राइट। कैसे ध्यान से देखो थ्री टू द सिक्स और ये सिक्स वन द माइनस सिक्स, तो ये सब क्विकली पहले चेक कर लेना है, हमें ये वैल्यू बताना है। ध्यान से देखो ये वैक्टर आएगा एक राइट ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसा है, तो बॉक्स ए बी सी हो जाएगा, तो कैसे लिखेंगे टू ए माइनस बी ए क्रॉस बी और ए प्लस टू बी, ये बॉक्स हो जाएगा। अभी आपको बताया था साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी, अगर इंटरचेंज कर देंगे तो सिर्फ माइनस आना जाएगा, तो मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूँ, इसको पहले लिख रहा हूँ, तो कैसे लिखूँगा ध्यान से देखो ए क्रॉस बी टू ए माइनस बी और ए प्लस टू बी, अगर ऐसा लिखा तो सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस आना आ जाएगा। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखो ए क्रॉस बी डॉट राइट और ये क्या आ जाएगा 2a माइनस बी क्रॉस a प्लस टू बी, ऐसा क्यों क्या आपको समझवाना चाहिए क्योंकि इसमें भी ए भी था ध्यान से देखो, अब एक्सपेंड कर दो इसको तो a क्रॉस a तो जीरो हो जाएगा और ये a क्रॉस b तो टू टू टाइम्स फोर टाइम्स हो जाएंगे a क्रॉस b, ये माइनस में b क्रॉस a आएगा जिसको प्लस में a क्रॉस b लिख सकते हैं, तो प्लस में वन a क्रॉस b हो जाएगा राइट। और यहाँ पे ध्यान से देखो ये b क्रॉस b जीरो हो जाएंगे, तो ये फाइव टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा a क्रॉस b के बराबर राइट। अब ध्यान से देखो तो ये फाइव तो निकल जाएंगे, अब ये ध्यान से देखो a क्रॉस b हो गया, तो a क्रॉस b किसके बराबर हो गया a क्रॉस b का होल स्क्वायर राइट। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे चूँकि दोनों एक यूनिट वैक्टर है तो वन वन हो जाएगा और परपेंडिकुलर है तो थीटा वन, और ये ध्यान रहे कि ये माइनस साइन चल रहा था क्योंकि हमने इंटरचेंज किया था ऑर्डर को, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस फाइव क्विकली, सो ऑप्शन डी, ऐसे आपको करना है वेरी क्विकली। क्वेश्चन नंबर फाइव में ए बी सी डी फोर पॉइंट है इन ए प्लेन विथ पोजिशन वैक्टर स्मॉल ए बी सी डी गिवेन है सच डेट ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, तो आपको बताना है कि जो पॉइंट डी है वो ट्रायंगल ए बी सी का क्या है। ध्यान से देखो तो ये डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा पॉइंट दिखा दूंगा ए बी सी, अगर मान लेते हैं ये ए है ये बी है ये सी है और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेता हूँ डी, चारों एक प्लेन में हो गए, तो क्या करें ध्यान से देखो ए माइनस डी, ए माइनस डी मतलब ये वाले को कनेक्ट करने वाला राइट, डॉट बी सी, बी माइनस सी मतलब ये, तो ये दोनों क्या हैं डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो 90 डिग्री है, वैसे ही बी माइनस डी मतलब ये वाला और ए माइनस सी मतलब ये, तो ये भी डॉट प्रोडक्ट जीरो है मतलब ये परपेंडिकुलर है, तो आपको मालूम है कि वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसका जो मीट पॉइंट होता है ये क्या कहलाता है ऑर्थो सेंटर, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नाउ एक ज्ञान की बात वेरी इंपॉर्टेंट है लेकिन यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज आते हैं, कहीं पे भी अगर तीन वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है ध्यान रहे नॉन जीरो कोई भी जीरो नहीं इसमें, और नॉन कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में नहीं है, और अगर उसका इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर हो रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब इस वेक्टर के आगे का कोफिशियंट क्या हो जाए जीरो हो जाए, बात समझ में आ गई, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो आई होप ये जितने पॉइंट बताया उन सबको अगर आप अच्छे से समझ लिए सही से अगर आपने फिल कर लिया तो आपके सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। थैंक यू।